बिंदिया ने हमारा दिया हुआ हार पहन लिया। पाये? इधर। अरे आओ ना। You know what, पाये? तुम बिल्कुल सही थी। तो अब हमें भी एंगेजमेंट कर ही लेनी चाहिए। क्या क्रिश नहीं करेगा पायल के साथ अब सगाई। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिंदिया है उसके लिए प्रपोजल लेकर आती है सैम की मॉम यानी कि शांति। कहती है बिंदिया हम चाहते हैं तुम हमारे घर की बहू बनो, ये लो हमारा हार, जब तुम्हारी रजामंदी होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे और इस हार को तब तक तुम स्वीकार कर लो। हम तुम्हें सैम के साथ देखकर नहीं जल रहे हैं। लेकिन बिंदिया उन्हें कोई उम्मीद झूठी नहीं देना चाहती, इसलिए साफ साफ ही साथ साथ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शो की कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर जो क्रिश है उसकी सगाई पायल के साथ होने वाली थी जो कि पायल ही करना चाहती थी। क्रिश ने इससे पहले भी इनकार किया था लेकिन क्रिश एक बार फिर से इनकार कर देता है और वो देखता है जब बिंदिया ने शादी के लिए मना कर दिया तो यहाँ पर वो पायल से कहता है देखो पायल हमें कोई सगाई वगाई नहीं करनी। पायल कहती है पहले तो तुम हामी भर रहे थे। क्रिश कहता है मैं तो पहले भी मना कर रहा था लेकिन और आज भी मना कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ ये बात जब बिंदिया सुनती है तो वो कुछ ज्यादा ना बोलती है ना वहां पर खड़ी रहती है और वहां से चली जाती है। ये जो बिंदिया और क्रिश के बीच में कशमकश चल रही है ये आप और मैं तो समझ रहे हैं लेकिन क्रिश और बिंदिया आखिरकार कब समझेंगे। बिंदिया आज भी कृष्णा जी से ही प्यार करती है लेकिन जो क्रिश है वो अब हो रहा है कंफ्यूज, यानी कि साफ है कि क्रिश की जिंदगी में होने वाली है बिंदिया की बहुत जल्द एंट्री। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।